साथियों, कोरोना के इस संकट ने वर्क कल्चर के साथ ही नेचर ऑफ जॉब को भी बदल करके रख दिया है और बदलती हुई नित्य नूतन टेक्नोलॉजी ने भी उस पर प्रभाव पैदा किया है। नए वर्क कल्चर और नए नेचर ऑफ जॉब को देखते हुए हमारे युवा नई नई स्किल्स को तेजी से अपना रहे हैं। वैसे साथियों, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आज के दौर में बिजनेस और बाजार इतनी तेजी से बदलते हैं कि समझ ही नहीं आता रिलेवेंट कैसे रहा जाए। कोरोना के इस समय में तो ये सवाल और भी अहम हो गया है। साथियों, मैं इसका एक ही जवाब देता हूं, रिलेवेंट रहने का मंत्र है स्किल, रीस्किल और अपस्किल। स्किल का अर्थ है आप कोई नया हुनर सीखें, जैसे कि आपने लकड़ी के एक टुकड़े से कुर्सी बनाना सीखा, ये आपका हुनर हुआ। आपने लकड़ी के उस टुकड़े की कीमत भी बढ़ा दी, वैल्यू एडिशन किया, लेकिन ये कीमत बनी रहे इसके लिए नई डिजाइन, नई स्टाइल, यानी रोज कुछ नया जोड़ना पड़ता है, उसके लिए नया सीखते रहना पड़ता है। और कुछ नया सीखते रहने का मतलब ही है रीस्किल, और हमारी जो स्किल है उसका और विस्तार करना। जैसे छोटे मोटे फर्नीचर बनाते बनाते आप और भी चीजें सीखते गए, पूरा का पूरा ऑफिस डिजाइन करने लग गए, तो वो हो गया अपस्किल। स्किल, रीस्किल और अपस्किल का ये मंत्र जानना, समझना और उसका पालन करना हम सभी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे जब मैं स्किल की बात करता हूं तो मुझे अपने बहुत पुराने जानने वाले हमेशा याद आते हैं। मेरा सीधा परिचय तो नहीं था, लेकिन हमारे एक जानने वाले सज्जन बताते रहते थे। वो उनके किसी परिचित के विषय में बताते थे कि वो ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन उनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी। समय के साथ उन्होंने अपने हैंडराइटिंग में और भी नए स्टाइल जोड़ दिए, यानी खुद को रीस्किल किया। उनकी ये स्किल देखकर लोग खुद उनके पास पहुंचने लगे। लोग उनसे कहते थे कि हमारे यहाँ स्पेशल ओकेजन है तो इनविटेशन कार्ड पर नाम वगैरह लिखने का काम आप कीजिए। बाद में उन्होंने खुद को रीस्किल किया, अपस्किल किया, उन्होंने कई और लैंग्वेजेस में लिखना शुरू किया और इस तरह से एक प्रकार से वो उनका कारोबार बन गया। बैठे बिठाए लोग उनके पास एक काम लेकर के आने लगे। शौक से पनपा हुआ एक हुनर रोजी रोटी का और सम्मान का भी एक माध्यम बन गया।